भाई ये भी जगह अच्छी है यार बैठने के लिए। ओ भाई साहब वो आगे तो और ख़तरनाक डेंजर है यार, ये कुत्ता बहुत करीब आ गया था मेरे, मुझे लगा कहीं काट ना ले। भाई 6:30 हो गए हैं, आधे घंटे बचे हैं फिर रात हो जाएगी। और ये वाली पहाड़ी दिख रही है ना भाई, ये वाली पहाड़ी को क्रॉस भी करना है अभी। भाई साहब कोई नहीं है यार, कोई नहीं है, जंगल बिल्कुल सुनसान। ओ भाई साहब यहाँ से उतरने की जगह नहीं है भाई साहब, एकदम नीचे तक चले जाओगे। वहाँ तक तो भाई फिर भी ठीक है, उसके आगे तो भाई पूरा खाई जैसा है। तो गाइस कुछ खाते पीते हैं यार, क्योंकि प्यास भी लग गई है। तो अभी तो यार मेरे पास ये एक केला है एज यू कैन सी, और एक बिस्किट का पैकेट। तो भाई बिस्किट खाते हैं, केला खाते हैं, एंड इसके बाद फिर चल। तो गाइस मैंने खा पी लिया यार, तो दिखाता हूँ भाई ये चिप्स हैं, ये बिस्किट वगैरह का पैकेट है। तो भाई इसको मैं डालता हूँ, एंड गाइस एक बात हमसे याद रखना यार, जितने भी प्लास्टिक के मटेरियल्स हैं उसको यार अपने साथ लेके जाना, या फेंकोगे तो भाई डिकम्पोज तो होना नहीं है प्लास्टिक, खाम का ये यहीं पर पड़ा रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। एंड अब निकलते हैं यार यहाँ से, चलते हैं क्योंकि अब 6 से ऊपर हो गए हैं, सनसेट होने से पहले यहाँ से निकल लेना सही रहेगा। तो आगे दिखाता हूँ यार, वहाँ आगे चलते हैं यार, थोड़ा सावधानी से चलेंगे। भाई देख रहे हो रास्ता कितना ज़बरदस्त है ये, भाई साहब वो पॉइंट बहुत ही ख़तरनाक है यार। भाई इधर आओगे तो बड़ा सोच समझ के आना, फिसलना मत एंड स्लिप मत करना। भाई साहब ये थोड़ा डेंजरस है, ये देखो तो भाई अब चलते हैं यार, काफ़ी देर हो गई है सच में यार, प्लास्टिक यहाँ बहुत है यार। ये देखो दिख रहा है आगे भी है, चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, लेस के पैकेट, डिस्पोज प्लास्टिक के ग्लास। भाई यहाँ पर यार लोग आते हैं बैठते हैं, ठीक है बैठो यार, किसने मना किया यार, गंदगी तो नहीं फैलानी चाहिए थी, गंदा करके रखा है यार। तो गाइस अब चलते हैं यार, फिर से दिखाता हूँ, ये देखो और ये बैठने की जगह। ये देखो भाई इधर भी कितना सारा प्लास्टिक है, भाई ये भी जगह अच्छी है यार बैठने के लिए। ओ भाई साहब वो आगे तो और ख़तरनाक डेंजर है यार, देख रहा है। तो चलते हैं गाइस, अब हमें चलना है आगे स्टार्टिंग पॉइंट तक। डॉग्स दिख रहे हैं भाई आपको, ये देखो ये कुत्ता बहुत करीब आ गया था मेरे, मुझे लगा कहीं काट ना ले। भाई कुत्ता जब करीब आया ना कुछ भी अजीब मत करना, तो काट ही देगा, एकदम कॉन्स्टेंटली अपने बिहेवियर को बना के रखना, थोड़ा सा भी डरे ना भाई हालत ख़राब कर देगा कुत्ता, देखो मेरे घूर घूर के देखेगा। तो वक्त आने पे बेल्ट बहुत काम आता है भाई, तो वो कुत्ता जो दिखाया था ना मैंने अभी, देखो अभी तक मेरे पीछे पीछे आ रहा है वो, आओ 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 तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, लगता है मेरे बेल्ट में तुम्हारा ही नाम लिखा है। जब तक वो अटैक नहीं करेगा ना मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा उसूल है भाई मैं किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर मुझे कोई छेड़ दे तो मैं उसको छोड़ता नहीं। तो राइट नाउ टाइम हो रहा है 6:20,
और आधे घंटे में सनसेट हो जाएगा, तो मैं ट्राई करूँगा सनसेट होने से पहले ही मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि भाई रात को यार लिफ्ट नहीं मिलती है और नाइट की चेकिंग बहुत डेंजरस होती है। लिफ्ट देने वाला भी बंदा डरता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और जो हिच हाइकर्स होते हैं लाइक मी वो भी थोड़ा बहुत डाउट में रहते हैं, तो नाइट की हिच हाइकिंग अवॉइड करना, मैं भी अवॉइड करता हूँ भाई। एंड गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भाई सब्सक्राइब कीजिए, एंड भाई कमेंट बॉक्स में आइए, बात करते हैं यार वहाँ पर। आगे देखो भाई, ये देखो ये दिख रहा है ना पहाड़ी भाई, इसी पहाड़ी को क्रॉस करना है हमें, तो भाई अभी वॉक करना पड़ेगा काफ़ी, तो पहुंच जाऊंगा यार रात होने से पहले पहुंच जाऊंगा, चलता हूँ आराम से। और रास्ता वैसे भी ख़राब नहीं है, अब रास्ता ठीक है, रात भी हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, टॉर्च की लाइट में अपनी निकल दूंगा मैं। जंगल वाले एरिया में थोड़ा दिक्कत होती है, तो गाइस चलते हैं यार, अब लाइट्स भी ऑन होने लगी है, ये देखो भाई सिटी का नज़ारा, तो लाइट्स ऑन होने लगी है एंड टाइम हो रहा है आई भाई 6:30 हो गए हैं, आधे घंटे बचे हैं फिर रात हो जाएगी। और ये वाली पहाड़ी दिख रही है ना भाई, ये वाली पहाड़ी को क्रॉस भी करना है अभी, तो चलते हैं भाई। भाई लेकिन ज़बरदस्त जगह है ये, कुछ भी कहो मज़ा आ गया यार, अच्छी खासी बड़ी एरिया में है ये यार, कपल्स यहाँ बहुत सारे मेरे को दिख गए यार, कपल्स लोग के लिए बहुत सही जगह ये। अब भाई थोड़ा थोड़ा आगे अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है क्योंकि शाम हो गई ना, ये देखो देख रहे हो भाई साहब एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। क्या सस्पेंस वाला माहौल है देखो ना भाई साहब, कोई नहीं है यार कोई नहीं है, जंगल बिल्कुल सुनसान, मस्त मजा आ रहा है यहाँ भाई, बहुत सावधानी से। ओ भाई साहब यहाँ से उतरने की जगह नहीं है, इधर से उतरना पड़ेगा लगता है, भाई यहाँ भी जंप ही करना पड़ेगा यार, तो गाइस मैं क्या बोलूँ यार ये जगह सच में यार बहुत ही ज़बरदस्त है, इधर से ये अंदर जाने का रास्ता है नीचे, बट अब रात हो गई जाऊँगा नहीं, ये देख रहा है ये देख रहे हो भाई साहब, उफ ज़बरदस्त जगह है, गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:40, बस ये देखो यार यहाँ थोड़ा सावधानी से, तो भाई एक बात का ध्यान रखना, अगर आप फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे हो तो भाई ये बाउंड्री आपको क्रॉस करनी होगी, ये देखो भाई ये बाउंड्री, यानी कि यहाँ लिखा रेड रूम, आगे से दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई ये टूटी हुई बाउंड्री, यहाँ से क्रॉस करके इधर जाना भाई, सीधे मत निकल जाना, देखो भाई यहाँ हिरन भी बना हुआ है, ये देखो भाई मैंने यही गलती कर दिया था, सीधे निकल गया था मैं, अब भाई तो मैं रात वाला माहौल हो रहा है। इधर बांस बहुत है यार, बांस के पेड़ यहाँ बहुत है,
बस ये वाली हिल, उसके बाद रोड शुरू। तो भाई आज का दिन भी काफ़ी अच्छा रहा, मज़ा आता है यार सोलो ट्रैवलिंग में एंड ट्रैकिंग में। ये देखो भाई, मस्त रास्ता है यार ये, देख रहे हैं, चलते हैं गाइस। भाई ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, यहाँ पैर स्लिप कर गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ये देखो तो भाई चलते हैं आगे। भाई जबरदस्त व्यू आ रहा है, चलते हैं भाई आगे। भाई यहाँ अगर पैर स्लिप कर गया ना तो सीधे जाओगे नीचे लुढ़कते लुढ़कते। ये देखो भाई साहब एकदम नीचे तक चले जाओगे, वहाँ तक तो भाई फिर भी ठीक है, उसके आगे तो भाई पूरा खाई जैसा है। चलते भाई आगे। तो भाई ऐसी जगह पर दोस्तों के साथ आ रहे हो तो भाई मजाक वजाक मत करना दोस्तों के साथ, कहीं मजाक हादसे में ना बदल जाए। एंड गाइस अब 7 बजने वाले हैं, 6:50 हो गए, और वो वाला जो हिल है ना इसको क्रॉस करना रह गया बस। ये देखो उसके बाद बाहर। थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा होगा क्योंकि भाई एक्शन कैमरा यार रात में यार ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। तो बस यार थोड़ी दूर और फिर पहुंच जाऊंगा मैं रोड पर एंड फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हिच हाइकिंग। तो गाइस अब मैं हिच हाइकिंग स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर बाद, तो पहले सही प्लेस पे पहुंच जाते हैं। तो भाई ये है राजमाता जिजाऊ फ्लाई ओवर और नीचे है भाई NH 48 एज यू कैन सी। और भाई हमें आगे की ओर निकलना है यानी इधर, तो इसलिए भाई हमें रोड क्रॉस करना पड़ेगा। तो आगे से यार रोड क्रॉस करने का थोड़ा दिक्कत है भाई, इसलिए फ्लाई ओवर के थ्रू मैं आगे जाऊंगा।